लाइव है। लाइव ठीक नहीं आ रही क्या? आप लाइव हैं? हाँ लाइव। हेलो, ये फिनिश क्या लिखा है? अरे अब नहीं जाओ, यहाँ फिनिश लिखा है। व्हाट शुड आई डू? मेरा क्वेश्चन कॉल दे रही। हेलो, वो बोल रहे हैं। ओके, अच्छा आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ऐसा लग रहा। हाँ ऐसा वी कैन हियर एंड सी। ओके नमस्कार सबको। अच्छा अर्पण जी का हुक्म है कि आज मैं मुझे कहानी सुनानी है और रचना प्रक्रिया के बारे में बात करनी है। रचना प्रक्रिया तो बड़ी गुठिल प्रक्रिया होती है। मैं संक्षिप्त में दो चार बातें कहूँगी, कैसे मैंने शुरुआत की और किस तरह से कहानी और उपन्यास में थोड़ा सा जो भी अंतर है संक्षिप्त में सुनाऊँगी आपको। तो एक मिनट, कहानी मेरा कहानी वैसे तो बहुत छोटी उम्र में ही शुरू किया था मैंने लेखन, पर वो तो जैसे कहते हैं ना मन की मौज के हिसाब से कभी लिखा कुछ बीच में छोड़ दिया। पर कहानी मैंने शुरू की, मेरी पहली कहानी 1967 में आई, 1967 में, तब मैं हैदराबाद में थी। वहीं से मैंने अपना स्वतंत्र लेखन, आप कह सकते हैं प्रतिबद्ध लेखन शुरू किया। तो बहुत पहले जो था वो जैसे किसी कॉलेज की पत्रिका में छपा ऐसा कुछ, बाकी बीच में छोड़ा ही था, नौकरी वोकरी की थी तो उस हिसाब से। तो शुरुआत जब 67 से आई पहली कहानी, तो उसने मुझे एक बड़ी हिम्मत दी, क्योंकि वो हैदराबाद में बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी जिसका नाम कल्पना था। तो उसमें बहुत चार चार संपादक हुआ करते थे और मैं लगभग पहली कहानी थी, तो उसे मुझे बड़ी हिम्मत लगी और मुझे लगा कि मैं लिख सकती हूँ। तो मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया। कहानी कैसे लिखता है आदमी, आप जानते हैं, हमारे अनुभव जो होते हैं उस जगह से पैदा होते हैं, आप कह सकते हैं जहाँ आपकी जन्म नाल घड़ी है, वहीं आपका जो परिवेश है उसी से आपके अनुभव होते हैं। सुख दुख जो भी हो, निजी भी हो या पूरे सामाजिक भी हो। तो निजी तो मैं खैर ये तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी माँ की मृत्यु के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि काफ़ी कुछ जम गया है भीतर मेरे, तो वो बाहर आना चाहता था। तभी कहते हैं ना लेखन क्या है, लेखन संवाद है, हम अपनी बात या समाज की बात दूसरों से शेयर करते हैं, वही लेखन है, चाहे वो सुख हो दुख हो या कुछ भी हो, नितांत व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक। और बाद में जब आप अनुभव संपन्नता से रच जाते हैं तब आप पूरे राष्ट्र पूरे विश्व के साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि साहित्य है ही जोड़ने वाला, वो जोड़ता है आपको पूरे संसार से जोड़ता है। तो पहले पहले हम निजी, जैसे निजी परिवेश से हुई, जैसे उसमें श्रीनगर में जन्मी हूँ मैं, वहाँ का परिवेश था, वहाँ का माहौल था, वहाँ की संस्कृति थी, कई कहानियों में आई, खून के रेशे कहानी थी मेरी उसमें आई, सुइयाँ थी, काफ़ी कहानियाँ, 200 कहानियाँ लिखी हैं, अब याद भी नहीं क्या क्या बिल्कुल याद नहीं है। तो खैर, तो कहानियाँ पहले लिखी, पहले मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखती थी, तो धीरे धीरे मैं लंबी कहानियाँ लिखने लगी। तो कई किसी ने कहा ये इतनी लंबी कहानी से अच्छा तो उपन्यास लिखो। तो मुझे याद है मैं हैदराबाद में ही थी, फिर मैंने एक लघु उपन्यास आप कह सकते हैं अर्थांतर, उसका विषय भी यही था कि उसमें उसके केंद्र में स्त्री है। तो मेरे ख्याल में एक ऐसा उपन्यास है मेरा जिसका स्त्री पर केंद्रित है और उसी की मनोदशा, उसकी भावदशा, वो एक ऐसी प्रबुद्ध स्त्री है वो जो चाहती है कि जो हमें परंपरा से हमें मिला है जो भी, उससे उसका वो आदर करती है। फिर वो देखती है परंपरा से जो कुछ भी मिला है वो सब हमें एक संपूर्ण ज़िंदगी जीने की नहीं देता, उसमें जगह जगह पर रुकावटें हैं। मतलब एक स्त्री को स्त्री की दृष्टि से, खास दृष्टि से देखा जाता है, एक चौहद्दी में उसको बंद किया जाता है। तो जैसे ये करो ये मत करो, जैसे हम भी अपने बच्चों को तब यही सिखाते थे ये करो ये मत करो, मेरी बेटी भी शायद देख रही है, उसको भी शायद मैंने ये सिखाया हो ये करना ठीक है वो गलत है। तो ऐसा होता था कि बंधन जो होते हैं, बंदिशें जो होती हैं, कोई भी लेखक वो उसका विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है एक स्त्री पर एक संपूर्ण ज़िंदगी जिए।
वैसे संपूर्ण तो कुछ होता नहीं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम उसको जैसे मनुष्य के रूप में उसको स्वीकार करें। तो अर्थांतर में यही समस्या है। एक स्त्री, वो द्वंद है उसमें, वो चाहती है वो लीक लीक पर चले, पर उसे लगता नहीं यहाँ मैं हूँ ही नहीं, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, कोई भी मनोकामनाएं, कोई भी इच्छाएं पूर्ण ही नहीं हो सकती। तो खैर उसमें अलग बात आप पढ़ सकते हैं, वो छोटा उपन्यास है, कोई 100-100 पृष्ठ से भी कम है, 80 पृष्ठ का। तो उसके बाद मुझे लगा ये तो ठीक नितांत व्यक्तिगत हुआ, उसके बाद थोड़ा मैं बाहर आई। आपकी रचनाएं ना आपको पहले नितांत अपने भीतर तक सीमित नहीं रख सकते, हालांकि वो मेरी कहानी नहीं है, वो एक स्त्री की कहानी है, पर उसी पर केंद्रित है। दूसरा उपन्यास मैंने लिखा अंतिम साक्ष। अंतिम साक्ष में क्या था, वो भी एक ऐसे परिवार की कहानी है, ये एक लड़की की, एक स्त्री की कहानी, दूसरी एक परिवार की है, जिसमें सभी हैं, भाई बंद भी है, बड़ा परिवार है, जम्मू जम्मू पर केंद्रित है वो। तो एक ढक्की, वहाँ पर ढक्की है, एक ढक्की में एक मकान था, एक्चुअली मैंने उसका पहला नाम चाहती मैं लिखना तो ढक्की का आखिरी मकान। तो उसमें एक परिवार रहता था, डुगर डोगरी परिवार, उनके पास उनके हम भी वहाँ रहते थे किराए पर कुछ समय। तो उसने मुझे बड़ी बहुत पता नहीं उसने लिखने को बाध्य किया मुझे। वहाँ पर एक ठाकुर जी थे, बड़े मतलब आप शान से जीने वाले, और उनकी पत्नी जो बिल्कुल घरेलू टाइप की, 10 नौकर थे, तो भी वो अपने कपड़े पछीरती थी, कुछ ना कुछ करती थी, गांव से थी। तो पर सरदार ज़रा यारबाश आदमी थे, उनके अपने कोई प्रेमिका भी थी उनकी। तो इस तरह से घर में जो परिवार में द्वंद्व थे, बच्चे तो बड़े विद्रोह करते थे, जिनको पसंद नहीं आता था, कहते हमारी माँ की जगह कोई दूसरा आए। पर खैर ये लंबी चौड़ी कहानी है, तो अंत में क्या होता है उसका अंत संक्षेप में सुनाती हूँ। अंत में होता है पर उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट में वो मारा जाता है। तो ये जो दूसरी औरत है उसको तो मीना मौसी के नाम से बोलते हैं बच्चे, तो वो खैर प्रेम तो था ही, आती जाती थी, वो सब जानते थे। तो वो वहीं रुकती है, वो जाती नहीं कहीं। इस वजह बड़ा अजीब सा ऐसा फिल्मी सा लगता है, पर ये सच है कि उसकी पत्नी भी गुजर गई जल्दी, तो घर खाली हो गया, 2 बच्चे थे। तो 2 बच्चों को पसंद नहीं आता था ये औरत, वो उसको मौसी तो बोलते थे, वो उसको माँ की जगह नहीं दे पाए। तो वो चाहते थे ये भी जाए। बड़ा लड़का था वो बहुत विद्रोही था, वो घर छोड़ कर गया, आर्मी वार्मी ज्वाइन की उसने। तो छोटा लड़का तो उस पर केंद्रित है, वो वहीं रहा। वो कुछ उसने सोचा कि मैं ये छोड़ूंगा, अब मुझे क्या करना है इस मकान का, मैं जाऊँ दिल्ली चला गया, इंजीनियरिंग कर रहा था। तो खैर वो जाने को तैयार था, पर ये मीना मौसी तो वहीं रुकी। वो कहते अब मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ घर तो भेज देंगे, हम रखेंगे नहीं। वो कहते मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊँगी, तो तुम्हारी माँ की जगह पर। वो बोला नहीं, उसने माँ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि वो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा था माँ शब्द किसी दूसरी के लिए। खैर ये लंबा चौड़ा है बीच में किसान, अंत में वो उसके साथ चली जाती है। वो सब कुछ वो कहते नहीं, मैंने पूरा जीवन इस घर को दिया, चाहे तुम लोगों ने मुझे स्वीकारा या नहीं, पर मेरा तो संसार तुम ही हो। तो उसके साथ चली जाए, थोड़ी उसकी त्याग की भावना भी बताई है। तो ये तो लघु उपन्यास थे, साथ साथ में कहानियाँ बराबर लिखती रही। तो जब मैं दिल्ली आई, हैदराबाद से मैं दिल्ली आई, तो मैंने सोचा कि भाई कहानियाँ तो लिख रही हूँ, कुछ लिखना चाहिए थोड़ा सा अलग। वैसे जैसे प्रश्न होते हैं, स्त्री के प्रश्न होते हैं, समाज में कुछ प्रश्न विद्रूप होते हैं, उनका एक विरोध की आवाज़ होती है, उस पर आप लिखते हैं। तो मुझे यहाँ लगा कि मैंने काफ़ी पढ़ा भी इस बीच, तो मुझे लगा कश्मीर पर कुछ ठीक से लिखा नहीं गया है। ठीक से मतलब बड़े प्रबुद्ध विद्वान थे, आप जानते हैं भीष्म साहनी थे, मोहन राकेश थे, कृष्णचंद्र थे, यशपाल थे, काफ़ी लोगों ने लिखा, पर वो ऐसा लगता था कि जैसे कोई सैलानी जाता है किसी जगह पर तो देखता है, या तो वो कश्मीर का सौंदर्य देखेगा, सुंदर तो है ही कश्मीर, या तो गरीबी देखेगा, हाथों देखेगा, जो हाउस बोट चलाने वाले डोंगे नाव चलाने वाले हैं वो हैं ही थोड़े गरीब तो थे ही उस वक्त। तो उसमें यही था, या पहलगाम जाएंगे घोड़े वाले की बात करेंगे, तो कश्मीर की जो संस्कृति है वो रिच संस्कृति, बड़ी समृद्ध संस्कृति रही है, तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। कश्मीर को आप जानते हैं, वहाँ पर जो सामासिक संस्कृति आप कहेंगे उसको, उसमें शैविज्म, बुद्धिज़्म और इस्लाम, तीनों का एक समन्वय है। तो तीनों के आधार, उस साथ में ऋषि सूफी भी उसमें हैं शामिल। तो उसकी हमारी एक जो कह सकते हैं प्रणेता कह सकते हैं, वो ललदत्त थी, ललेश्वरी नाम था उनका। तो वो थी तो वो शैव योगिनी, पर एक तरह से बड़ी समाज सुधारक थी।
आप कबीर की जगह उसको रह सकते हैं, कबीर से पहले हुई है, कबीर तो 15वीं सदी में, ये तो 1335 इनका जन्मदिन था लाल दत्त का। उस वक्त कश्मीर, आप तो ये भी जानते होंगे, कश्मीर में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, काफ़ी 7 बार तो पलायन हुआ है। उस वक्त पहली बार हुआ था, सिकंदर बुत शकन था, वो बाहर से आया था, उसने काफ़ी तोड़ फोड़ की। उस वक्त तो इस्लाम था नहीं, तो उस वक्त वो आ गया, तो कश्मीर में कुल 11 घर बचे, बाकी मारे गए या धर्मांतरण हो गया उनका। तो अब जो था उस वक्त जो भाई बहन थे बाकी बचे हुए, आपस में जाहिर है तो भेदभाव तो होता ही है जब इतनी मार काट हो। तो लाल दत्त ने उस वक्त उनको सिखाया, उनको बताया कि भेदभाव मत करो, वो कश्मीर में है, शेव जी थले थले रोजान मोजान ब्यों हों तो मुसलमान, वो सर्वत्र व्याप्त है, तुम हिंदू और मुसलमान में क्यों भेद करती हो। तो एक तरह से उसने समझाया लोगों को अपनी तरफ से कैसे प्यार से रहो। साथ में उस वक्त ऋषि सूफी भी आए, इन सब का ये सब इसलिए बताया, तो इस सब का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और मैंने एक उपन्यास लिखा है, ऐलान गली जिंदा है। ऐलान गली, ऐलान गली एक प्रतीकात्मक नाम है, ऐलान गली कोई गली नहीं है, वो एक मध्य वर्ग की कहानी है, मध्य वर्ग में जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, उनकी कहानी। पहली बार लोक संस्कृति के बारे में मैंने लिखा, कैसा जीवन है, लोग ऊपर ऊपर से देखते थे, भाई हाउस बोट है, ये है, नज़ारे वज़ारे हैं, वो जो वो वहाँ एक गली गली है वो, और ऐसी कोई सुहानी गली भी नहीं है, मध्य वर्ग की आप समझे, निम्न मध्य वर्ग आप कह सकते हैं, पर उसमें भाईचारा भी है। तब तक ये आज का जो आतंकवाद है तब तक नहीं था, ये 83 में ये उपन्यास आया था, राजकमल से आया था। तो उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, हालांकि ये सच है कि सबकी धर्म की अपनी अपनी हदें थीं, लेकिन उसमें भी एक आत्मीयता, एक आप कह सकते हैं आपसदारी वो थी। जैसे शिवरात्रि कश्मीरियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, उस पर मुसलमान आ जाते थे, वो जो भी थे वहाँ पर, वो जैसे हमारे यहाँ जो घड़े टाइप के होते हैं, सकोरे टाइप के, उसमें वो काफ़ी अखरोट उनकी पूजा करते हैं, वो मुसलमान ही बनाते थे, वो आते थे, तो हम भी ईद में उनको मुबारक करते थे, थोड़ा बहुत लेन देन था आपस में थोड़ा बहुत, हालांकि धार्मिक हदें तो थी, उसके भीतर भी सब ठीक था, ठीक चल रहा था, ऐसे बाहर से नहीं लगता था कुछ गलत है। तो उस मैंने उसी की झलक लिखी है, सब कुछ कश्मीरियों का जो लोक जीवन है, वो धड़कता लोक जीवन, वो हमने कभी देखा नहीं पहले, चाहे जो भी हो, छोटी शादी हो, ब्याह हो, जो भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे संस्कार होते हैं, वो सब उसमें शामिल है। और भाईचारा भी है, दुख है, दरिद्रता है, सब कुछ, उसके बाद भी वो ऐलान है, मस्त ऐलान करते यहाँ पर, मस्त है, हर हाल में प्रसन्न, जो भी है, जो कह रहे ना, जो होगा सो होगा, विधि के हाथ, ऐसा था उनका एक, मुझे लगता है उनके जीवन का असूल ये था, जो है वो होता रहेगा, सब ठीक करेगा भगवान। हालांकि उसमें भी आप जानते हैं कश्मीर में जब हमें स्वतंत्रता मिली, तो उसके बाद ही कश्मीर में कबायली आक्रमण हुआ, इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लंबा चौड़ा होगा। आप जानते हैं कि कश्मीर में जैसे हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़, जहाँ राजा जो थे, उनको बताया गया था कि भाई आप या तो हिंदुस्तान के साथ जाओ या नया पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के साथ जाओ। पर कश्मीर को जो महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, उन्होंने निर्णय नहीं लिया, देर कर दी, शायद उनके दिमाग में यही था क्या करूं, पाकिस्तान तो जा नहीं सकता, और मुस्लिम बहुत आए तो थी वहाँ की, तो फिर हिंदुस्तान के साथ शायद वो पसंद ना करें, तो ऐसे दुविधा सी मन में, तो उस दुविधा के कारण समय ले लिया उन्होंने, उधर से पाकिस्तानी कबायली भेज दिए, हमला हो गया, वो बहुत मारकाट भी हुई थी। और उस वक्त कश्मीर का नेता था शेख अब्दुल्ला, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, तो नेहरू के साथ थोड़ी सी उसकी अनबन थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगी अभी, तो उसको जेल में डाल दिया था राजा ने, महाराजा ने। तो अब जब ऊपर से कबाली आ गए और सेना ज़्यादा थी नहीं महाराजा हरि सिंह के साथ, जो थोड़ी बहुत थी वो काफ़ी नहीं थी, तो उन्होंने अरदास की भाई बातें सरकार से कि आप ऐसा करो, कुछ सेना भेजो, नहीं तो हमारे जाएंगे। तो हुआ ये कि उस वक्त नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा भाई पहले तो शेख को छोड़ो, वो भी होना चाहिए, हम करेंगे एक्सेशन, पहले एक्सेशन करेंगे, तो मतलब अधिमिलन, भारत के साथ तुम एक्सेशन करो तब हम सेना भेजेंगे। और बहुत मजबूरी थी, जो कबाली बिल्कुल आए थे, सीमा तक आ रहे थे, तो उन्होंने शेख को छोड़ दिया, तो अधिमिलन हुआ संक्षेप में मान लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, शेख ने भी उसका हस्ताक्षर किए, राजा ने भी किए, तो खैर एक तरह से फिर शेख राजा चले गए, और शेख का समझ ली वही प्रधानमंत्री जो भी थे उस वक्त, उनको प्रधानमंत्री बोलते थे।
ये लंबी चौड़ी दास्तान इसको मैंने लिखा है, उसमें कैसे क्या हुआ, मांगे किस तरह हुई, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, और देते गए बाद सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, जैसे कोई बच्चा रोटता है भाई मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, अच्छा दे दो भाई। ये तो ये हुआ, इसने हिंदुस्तान का, इसने कश्मीर का बहुत नुकसान किया, पर खैर फिर भी वहाँ ठीक ही लगता था। ये ज़रूर था कि लोग पढ़ लिख ले रहे थे, व शिक्षा का प्रसार हुआ वहाँ पर, मुफ्त शिक्षा दी गई बीए तक एमए तक, तो लोग पढ़ लिख गए, जो गरीब गुरबा थे जो पढ़ नहीं सकते थे ऐसे पैसे देकर, तो लोग पढ़ लिख गए। फिर क्या हुआ, नौकरियाँ नहीं मिली, नौकरियों के लिए पहली बार कश्मीरी पंडित जो थे वो बाहर जाने लगे नौकरी के लिए, कश्मीर छोड़कर नहीं मतलब नौकरियों के लिए जाने लगे, वापस भी आ सकते थे उसमें बंधन नहीं था कुछ। ये वहाँ तक पहला ऐलान के लिए जिंदा वहाँ तक है जहाँ तक ये थोड़ा सा भाईचारा था बचा हुआ, पर बाहर जाने लगे थे लोग नौकरियों के लिए। तो उसके बाद मैंने बीच में काफ़ी कहानियाँ मैं लिखती लिखती गई। कहानी क्या होता है, जब कहानी एक तो समय थोड़ा लेती है, पर दूसरा कुछ उसमें एक मान लीजिए एक स्थिति आप ले लेंगे, एक विशेष स्थिति लेंगे आप, उसी के इर्द गिर्द कहानी जाती है। आजकल तो खैर उसका भी बहुत विस्तार हुआ है, आजकल कहानी वो बिल्कुल केंद्रित नहीं होती एक पर मुख्य पात्र होता है उसी के इर्द गिर्द कहानी जाती है। और उपन्यास में सबसे बड़ी बात यह है कि खाली कलेवर ही बड़ा नहीं होता, वो कहते हैं ना, इसने रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो उपन्यास एक जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे हिरन हाथी भालू सब होते हैं, तो उसमें कई प्रसंग आ सकते हैं, कई कहानियाँ मिलकर बनती हैं। आजकल खासकर अगर मेरे उपन्यास देखें आप तो कथा सिद्धि सर आप देखें, उसमें काफ़ी प्रकरण है, काफ़ी स्थितियाँ, काफ़ी पात्र हैं, उनका जीवन है, तो बनता है। हालांकि मकसद कुछ कहना होता है, जैसे मेरा जो कश्मीर पर जो बड़ा उपन्यास है मेरा कथा सतीश, उसमें क्या है, उसमें मकसद उसका हीरो देखे हीरो हीरोइन उसमें एक नहीं होता, उसमें पूरा सतीश सतीश कश्मीर का पौराणिक नाम है हम जानते होंगे, तो उसमें के उसमें ने जो अगर आप उसको कहेंगे नायक कौन है, वो सतीश है, वो कश्मीर है, पर उसमें क्या हुआ कैसे हुआ वो संक्षेप में ये बताऊंगी। उसका पौराणिक पृष्ठभूमि है, सती सर का जन्म कैसे हुआ क्या हुआ वो सब, पहले जल ही जल था कैसे हुआ क्या हुआ वो सब लंबा चौड़ा है, वो मैंने कथा सती सर में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो विराज कमल के पास है। तो वो उसका मकसद ये लिखने, मैं कथा सती सर नहीं लिखती क्योंकि कश्मीर पर लिख चुकी थी ऐलान गली, और उसके बाद एक उपन्यास और लिखा था यहाँ वितस्ता बैठती है, उसके केंद्र में वैसे मेरे पिताजी थे, पर उसमें ये कहना चाहती, उसके मुखपृष्ठ में मैंने लिखा है अगे ने एक बात कही थी, एक छोटी सी कविता है उनकी, क्या आपने चाय पीते हुए अपने पिता के बारे में सोचा है, अच्छा नहीं है पिताओं के बारे में सोचना, अपनी कलई खुल जाती है। मुझे बड़ा रोचक लगा, मुझे पिताजी बने बड़े प्रोफेसर थे, बहुत दमखम से जिए, समाज सुधारक भी थे, पर अंत में वो बहुत बीमार हो गए, बीमार हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। तो एक बार मैंने उनसे कहा, मैं जीवन उनका बड़ा काफ़ी क्या कहूँ मैं, उसमें काफ़ी घटनाएं हुई, अच्छी भी बुरी भी झेला उन्होंने छाती पर पहले, पर बाद में वो हार गए, बेटी की मृत्यु हो गई, मेरी छोटी बहन थी, उसके बाद वो संभले नहीं। मैंने उनसे कहा मैं आप पर लिखूँगी, तो उन्होंने एक बात कही मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा ये तो धर्म का नाम काम है, ये धर्म का काम क्या, मैं समझी नहीं, शायद अपने पिताओं के बारे में भूलना नहीं चाहिए, या उनको ऐसा लगा मेरा जीवन ऐसा रहा संघर्षपूर्ण, अगर कोई लिखे तो शायद दूसरे के लिए कुछ मिसाल बन जाए, और उनका मकसद क्या था वो उस वक्त में समझे, पर मेरा मन था मैं उनका जीवन लिखूं, कैसे क्या जिए वो बहादुरी से ही जिए, वो कहते हैं ना गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, वो कभी घुटनों के बल चले ही नहीं, बड़े दमदार आदमी थे, कुछ ऐसे से रिफॉर्म किए उन्हें, पर घर से शुरू किए, अच्छी बात ये थी उनमें, जैसे सोशल रिफॉर्म की बात हुई, दहेज लड़कियों आप तो जानते हैं दहेज वहेज प्रथा तो वहाँ थी नहीं पर मांग तो थी ही, आप किसी के लड़की लाएंगे उसको वो भी चाहिए ये भी चाहिए सोना चाहिए गहना चाहिए, तो उन्होंने रिफॉर्म, उन्होंने कहा नहीं अगर हम दे सकते हैं कोई गरीब गुरबा वो नहीं दे सकता, तो उन्होंने उसमें भी काफ़ी शोध किया और घर से शुरुआत की उन्होंने। तो खैर ये लंबी चौड़ी बातें हैं, तो मैं ये कहना ये चाहती हूँ कि उसमें काफ़ी कुछ पिताजी के वो मेरे उसमें पिता हैं मेरे, यहाँ वितस्ता, वितस्ता मतलब आप जानते हैं जहलम का नाम है वितस्ता, पिताजी का घर था मेरे पिताजी का घर वितस्ता किनारे पर था, एक किनारे, इसीलिए मैंने वितस्ता बहती है नदी,
विदसा बहती नदी का ये अर्थ भी है कि जीवन तो एक नदी है जो बहती अपने साथ कूड़ा करकट भी ले जाती है पर रुकती नहीं है, ऐसे जीवन कभी रुकता नहीं। वो भी अच्छा उपन्यास ऐसा पसंद किया लोगों ने, आप उसको देख सकते। तो उसके बाद काफ़ी कुछ कहानियाँ तो लिखती रही थी मैं बीच में, एक जैसे कोई एक पात्र मान लीजिए इस तरह कहानी और उपन्यास का अंतर मान लेंगे, क्षमा कीजिए एक सेकंड। हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा मंदिर था, गणेश मंदिर, वहाँ एक बीमार स्त्री आती थी, रोगिनी, वो मंदिर की परिक्रमा करती थी तो उसको अपने शरीर पर अंकुश नहीं था, तो उसको वहाँ के जो पुरोहित वगैरह थे उन्होंने उसको बाहर नहीं, वो कहते तुम मंदिर को अपवित्र करती हो। बहुत ही बेचारी कमज़ोर हमारी, उसके पति ने उसको घर से निकाल दिया था। हुआ ये था कि उस वक़्त भी ये था, आज भी शायद ये होगा, तो वो मेरे पिताजी बीच में, उन्होंने कहा इनको अपने पति के पास वापस भेज दो, पूछो क्या बात है। तो वो कुछ लोग गए उसको छोड़ने, तो पति ने कहा कि नहीं मैं इस इल्लत का क्या करूँ। उन्होंने कहा क्यों क्या हो गया, तुम्हारी बीवी है, इसने मुझे चार लड़कियाँ दी, मैंने उनको तो मैंने निपटा दिया, मतलब शादी वादी कर देती उसको, इसका क्या करूँ, इसने मुझे चूहा तक नहीं जाना बेटे के नाम पर, ये हालत थी स्त्री की। खैर स्त्री की आज भी बहुत कुछ होने के बाद भी इतनी अच्छी हालत नहीं है जितना हम चाहते थे हो। तो खैर तो वहाँ काफ़ी हो गया, फिर अंत में वो वही मंदिर में ही रही, उसी का इंतज़ाम किया कहीं पर, और बेचारी गुजर भी गई वहीं पर। वो छोटी रोगिनी ना, उस पर मैंने पहली कहानी लिखी, वो कहीं छपी नहीं। ये कहते हैं कोई बात जो मुझे बहुत लगा कि उस पर पता नहीं, मन तो भावुक होता ही है, सबका होता है, लेखक का शायद थोड़ा ज़्यादा होता हो। वो आती थी बेचारी, जब उसको बिल्कुल घर के पास ही हमारा मंदिर था तो खिड़की से बोलता, हम देखते थे, कहते मुझे चाय दो, मुझे वो दो, हम लोग बच्चे थे, हम जाते थे चाय देने उसको, क्या करें। और वो क्या, जैसे आप बाद में देते हैं ना ब्लेस करते हैं किसी को, आशीर्वाद देते हैं, वो कहते थे हमेशा निरोग रहो, स्वस्थ रहो। उसको पता था शरीर था, रोग की वजह से ही उसकी वो हालत हो गई थी। तो खैर मैंने उस पर कहानी थी रोगिनी, एक आइडिया आता आपके पास कि इस पर लिखना चाहिए, क्योंकि वो आपको छू जाता है, आपको लगता है ये गलत हो रहा है, आपको लगता है कुछ ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हो, मैं कहती हूँ संवेदनशील तो होता ही है, कोई भी रचनाकार होता है। तो खैर मैं ये कह रही एक एग्जांपल कहती हूँ, उसके बाद काफ़ी कुछ होता है, अब ऐसी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन, क्योंकि आप उसके रूट कॉज पर जाते हैं, आप जानना चाहते हैं अगर ये हुआ तो क्यों हुआ। बाकी ऐसे वृद्धों पर मैंने कई कहानी लिखी जो होते तो बहुत अपने दमदार पर बूढ़े होकर अपाहिज से क्यों हो जाते हैं। बच्चों की अपनी मजबूरियां हैं, वो बेचारे कहाँ करें, नौकरियां आजकल एक जगह मिलती नहीं, कोई एक जगह कोई दूसरी जगह, अब बूढ़े क्या करें बेचारे, हमेशा तो नहीं रह सकते। आपकी जिसका अपना घर भी हो कुछ हो तो उनकी भी दशा क्या होती, कैसा क्या होता है। आज तब तो इतना नहीं था, पर आज दिन ब दिन जैसे हम जानते हैं अर्थ केंद्रित समय है आज, जैसा पहले तो थोड़ा बहुत त्याग व्याग भी करते थे क्योंकि इतनी एम्बिशंस नहीं थी। हम आदमी कहते हैं ठीक है अच्छा खाना वाना मिला, वो कहते हैं ना मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, वो इतने तक ही थी उनकी अपेक्षाएं, ज़्यादातर एक्सेप्शंस तो खैर कहीं भी होते हैं। तो पर आज दुनिया बहुत बदल गई, तब से काफ़ी बदल गई और हमारी उम्मीदें बदल गई, पर हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की की, तरक्की ने आप सोच सकते थे हम आपको इस तरह देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं सामने, वो तो नहीं हो सकता था। खैर अच्छा भी हुआ है, बहुत अच्छा हुआ, हम नहीं कह सकते सब गलत है, पर दूरियां तो बढ़ती गई, इसमें कुछ है उसके कारण है, बहुत ही कारण भी है, बहुत ही कारण है उसमें। तो खैर मैंने उस पर कथा से थी सर, मैंने मुख्य रूप से वो कश्मीर केंद्रित है, मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ मदन भगवान सुनीता वगैरह आपकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा मुझे, पर मैं देखूँगी, भगवान दास मोरवाल भी हैं, ठीक है हमारी बेटियाँ बेटी भी हैं। थैंक यू भाई, आप सुनो मैं बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगी, वो भी मुझे कहानी सुनानी है आपको, थैंक यू वेरी मच। तो खैर इस तरह से मैं कहती हूँ ये छोटी सी बातें भी बड़ी बातें भी, समाज में काफ़ी कुछ घटता, काफ़ी विद्रोह होते हैं, स्त्रियों की दशा ही नहीं होती और भी बहुत कुछ होता समाज में, तो वो सब कहानियों में आ गया है। रिश्ते नातों की कहानियाँ आती हैं, रिश्तों के विद्रूप आते हैं, अब पति पत्नी के संबंध है वो प्यार से भी, प्यार की शादी भी होती तो हमेशा प्यार की शादी रहती नहीं, क्यों नहीं रहती, उसके पीछे क्या कारण होते। आपको जब तक किसी की मानसिकता में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप उसके भीतर की बात नहीं जान पाएंगे।
लेखक में ये प्रॉब्लम होती है, कहीं कुछ कहती मजबूरी, वो हमेशा घुसा रहता है उसके मन में क्या है, जान पाता या नहीं जान पाता, कुछ अंदाज़ा तो लगा ही लेता है। बेसिक बात मुझे मुख्य रूप से ये लगता है लेखन क्या है। लेखन खारी संवाद तो है ही है, पर लेखन में एक बात भी, जो जिस समय में आप जी रहे हैं, जिस काल में आप जी रहे हैं, उसमें उसकी व्यवस्था क्या है, उसकी व्यवस्था आपको प्रभावित करती है। राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी सामाजिक, समाज में भी इतने बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसी की परिणतियाँ हम भोगते हैं, तो उसी से आपके अनुभव भी निकलते हैं, चाहे आपका व्यक्तिगत हो, चाहे आपका सामाजिक हो। तो क्योंकि देखिए, मैं मुझे आज याद आते हैं एक लेखिका, वो वेश्या जीवन, उसने बहुत कुछ लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं आप आतंकवाद पर लिखते हैं, आप बलात्कार पर लिखते हैं, तो क्या भगवान ना करे खुद बलात्कार हो तभी करे आदमी, ऐसा नहीं होता। मैंने काफ़ी कहानी, कश्मीर में काफ़ी कुछ घटा, आप तो जानते हैं आतंकवाद के कारण, उसमें मैं नहीं जाऊँगी, वो सब जानते हैं। तो उनका भी मैंने, उन औरतों की कहानी भी लिखी है जिनका बलात्कार हुआ, बहुत बुरी हालत हुई उनका भी, लेकिन वो जी ली। पहले ऐसा होता था, कुछ भी होता था, थोड़ा बहुत बदतमीजी होती थी औरत के साथ, तो घर वाले ही उसको पसंद नहीं करते थे, कहते हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अब ऐसा समय है कि लड़कियां जानती हैं, कहते हमारा दोष नहीं था इसमें, अगर आतंकवाद की बलि चढ़ गई, मेरी कहानी है शरणागत दीनार्थ, उसमें ऐसे ही हुआ कश्मीर में, तो बहुत कुछ घटा। एक वो लड़की थी, उसको ले गई, फिर आतंकवादियों के साथ हो रही, उसकी उसका बच्चा भी हुआ, तो वो बेचारी भागते भागते कैसे जाती, उनके पंजों से निकलना भी तो आसान नहीं था, भागते भागते गई, एक बार मौका मिला उसको, भागते भागते आई। तब तक कश्मीर में बहुत घटा था, विस्थापन हुआ, तो आप जानते हैं पलायन हुआ कश्मीर में, लोग कश्मीरी पंडित बाहर निकले थे, उनको निकाला गया था, 90 की बात है, तो फिर शिविरों में रहते थे वो। तो ये लड़की आगे बढ़ी इसी उम्मीद में कि मैं अपने माता पिता के पास जाऊँ, बहुत दुखी थी बेचारी, काफ़ी शोषित, पर उसको वो आगे ढूंढते ढूंढते, इस पर छोटी सी फिल्म भी बनी है शरणागत दीनार्थ, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। माँ बेचारी रोती रही, पिता ने कहा इस बेचारी का क्या दोष है, भाई तक ने कहा ये बच्चा हुआ तो उसको फेंक देती वहाँ, तब आ जाते तब हम तुम्हें स्वीकार करते। तो कितना निर्मम हो जाता आदमी, हम कहते हैं ना दुख मांझता है आदमी को, लेकिन दुख कभी कभी हमें स्वार्थी भी बना देता है। क्योंकि तंबू में इतने सारे लोग थे, वो बेचारे रख भी लेते तो बाकी लोग बोले नहीं 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 उसका जो भी उस बच्ची का पिता था तो वो आ जाएगा ढूंढते, हमें मारेगा, वो करेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा आदमी के अंदर करुणा तो बहुत है, पर कभी कभी वो अपने, शायद वो अपने को बचाना चाहता है इसलिए स्वार्थी हो जाता है। तो बहुत ही दुखद कहानी, फिर वो बेचारी चली जाती है, वो रुकती नहीं वहाँ। मैंने ज़रूर इतना फ़र्क किया, मैंने ये कहा कि उसका पिता बहुत एक तरह धार्मिक प्रवृत्ति का था और बहुत समझदार था, इस बेचारी का दोष नहीं है, मानवीयता थी उसमें बहुत। वो दूसरे दिन गायब हो जाता है, सब लोग सोचते हैं इसका क्या हुआ, कहाँ गया, वो उसकी बेटी के पीछे जाता है, उसको ढूंढने जाता है। तो मानवता बची है, अगर नहीं भी बची कभी, तो एक लेखक के नाते हम चाहते हैं कि वो बची रहे। शायद हम ऐसी कहानियाँ भी इसीलिए लिखते हैं, जो है जो गलत है कहीं वो सुधर जाए, कहीं उसमें कुछ तो मनुष्यता आ जाए। ऐसी कई कहानियाँ, आवाज़ कहानी है मेरी, मैं चाहती थी उसमें, पर मैं आपको मन खराब नहीं करना चाहती, दुखद है वो, पर अंत उसका भी, वो भी ऐसे ही लड़की, उसके बच्चा बच्चा हो जाता है, पर वो मार देती उनको, वो चूहे की दवाई देकर उनको ख़त्म कर देती और भाग जाती। वो बहुत बहादुर लड़की है, और ऐसी लड़कियाँ हुई भी हैं, क्योंकि देखिए कितनी लड़कियाँ मरेंगी, कितनी लड़कियाँ सुसाइड करेंगी, उनमें भी तो, उन्हें भी तो लगता है हमारा क्या दोष है। तो बाद में खैर वो बच्ची को लेकर भाग जाती है, लौटती है। इस बीच काफ़ी कुछ घटा भी है कश्मीर में, अब पहले वो आर्मी वार्मी इतना नहीं था, अब हर जगह आर्मी है, तो उनको थोड़ा सहारा भी मिल जाता है। खैर, तो ये कहानी, इसमें और भी बहुत कुछ है, ये खाली एक यही बात नहीं है, क्या हुआ, किस तरह आतंकवादी बने लड़के, ऐसे तो नहीं, पहले तो कश्मीरी जो मुसलमान भी थे हमारे भाई थे, वो भी अगर लड़ते थे, गाली गलौज करते थे, कांगड़ी रहते हमारे यहाँ, वो फेंकते थे दूसरे पर, वो बहुत गुस्सा हुआ, वो उसमें कोले वोले रहते थे, बस यही था, कलिशनिकोव वगैरह तो कोई जानता नहीं था। पर अब काफ़ी कुछ बदल गया है, अब जाते हैं पाकिस्तान के साथ, दो तीन ये भी लड़ाइयाँ भी हो गई, तो काफ़ी कुछ सीख गए, अपने बच्चे भी कुछ तो भटक गए, और
ये सब हो गया, वो उसमें मैं नहीं अभी जाऊँगी। तो खैर ये तो हो गया कथा से जैसे मैंने लिखा, और कहानियाँ भी बराबर मैं लिखती रही। कुछ मैंने ये भी लिखी, जैसे सभी लोग तो दुष्ट नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, और एक लेखक के नाते हमें ढूंढना पड़ता है कहाँ का रोशनी की संत है। वो कहते हैं ना, किसने कहा है नाम मुझे अभी याद नहीं आता है, लेखक क्या करता है वो ढूंढता है वो संत, कहीं अगर उम्मीद है, कहीं अगर कुछ, कहते हैं ना कुछ जुगनू की रोशनी भी तो उसको रोशनी समझता है, अंधेरे को तो भेदता है ना वो। तो एक किसी ने कहा है, नाम याद नहीं आता मुझे, रिंग द बेल दैट स्टिल कैन रिंग, फॉरगेट द परफेक्ट ऑफरिंग, देयर इज क्रैक इन एवरीथिंग, दैट इज हाउ द लाइट गेट्स इन। कहीं पर क्रैक, कहीं पर रोशनी, कोई है अंधेरे में भी, तो वहाँ से आप रोशनी के संदर ढूंढते हैं। तो भी कहते रिंग द बेल, रचना करो, कहते तुम वो बेल रिंग करो, चिंता मत करो, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, समाज में कभी परफेक्ट कुछ नहीं होता, आज भी नहीं है। बहरहाल एक लेखक के नाते मैं समझती हूँ, कम से कम यथार्थ तो देखिए लेखन में क्या है, यथार्थ तो है ही है, आपके अनुभव भी हैं, लेकिन अनुभव वही नहीं है जो आपने भोगे हैं, अनुभव वो भी हैं जो आपने, आपके तादात्म्य क्षमता जो होती है रचनाकार में, आपके आपके सुख दुख के साथ अगर आप जुड़ी हैं, अगर आपको लगता है जैसे वो बलात्कृत लड़की, आप उसकी जगह बैठकर सोचते हैं अगर खुदा नखास्ता आपके साथ होता तो आप कैसा महसूस करते, अगर वो आप कर पाएँ तब आपकी कहानी में कोई जान आ जाती, तब लोग प्रभावित भी होते हैं। नहीं तो अगर आप जैसे पत्रकार लिखते हैं, वो भी मेहनत से लिखते हैं, देखते हैं क्या हो रहा, वो आपको इतना छूता नहीं है, पर वो चीज़ छू जाती जो आपको लगता है कि हाँ ह्यूमन ट्रेजेडी है, करुणा है, कई प्रकार के साहित्य में तो कई प्रकार के रस होते हैं जो भी है। तो मुझे लगता है ये तो काफ़ी हुआ, मैं एक कहानी आपको सुनाऊंगी, पर आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं मैं नहीं जानती, मैं आपको कश्मीर की कहानी नहीं सुनाऊंगी अभी, आप चाहते हैं सुनना तो। मुझे लगता है ये आतंकवाद के बारे में मैंने आपको कहा बहुत, आतंकवाद वगैरह उसकी ये कहानी वो नहीं सुना, मैं आपको एक मतलब बहुत ग्रेट कहानी तो नहीं है, पर मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी, कश्मीर को नहीं, कश्मीर में बहुत दुखद कहानियाँ लिखी हैं, तो वहाँ था ही काली बर्फ, शरणागत दीनार, बदलते हालात में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं उसमें, कभी मौका मिलेगा तो आप पढ़िए, कहानियाँ बहुत हैं बहुत है। अभी अभी मेरा एक प्रतिनिधि कहानियाँ राजकमल से आया इसी वर्ष, तो उसमें भी कहानियाँ हैं पेपर बैक में, वो मतलब पढ़ सकते आदमी, उसको कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तैंती बाई, मैं पहले ये नहीं बताऊँगी तैंती बाई क्या है, आप खुद समझिए, इसको सुनाती हूँ आपको, शीर्षक है तैंती बाई। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको? उधमपुर की सैनिक बैरक, परेड ग्राउंड और चिनार होटल पीछे छोड़ने के बाद ही काका कमर सीधी कर सीट के ऊपर बैठ गया। तब तक उसे कई बार सीट के नीचे भाभी के पैरों के पास दुबक कर उकड़ू बैठना पड़ा, जो अपनी शान के खिलाफ महसूस होने के बावजूद वो झेलता गया। भाभी पांव एक और सिकोड़ ड्राइवर की तरफ काफ़ी फासला छोड़ खिड़की से सटी बैठी रही। देवर भाभी है बलदेव ट्रक ड्राइवर। बलदेव की अपनी परेशानियां थी, सामान से लदा फदा ट्रक, जगह जगह चेकिंग का टंटा, ऊपर से फ्रंट सीट पर एक साथ दो व्यक्तियों के बैठने की सख्त मनाही, जरा जरा सी भूल पर चालान का डर। जम्मू से चलते समय ही उसने मास्टर साहब के सामने अपनी व्यवस्था प्रकट की थी, परंतु मास्टर साहब का दोहरा लाचार चेहरा और चेहरे की भंगिमा देखकर उसके मन में पिघलाव सा आ गया। हालांकि मन की ये भावदशा उसके लिए कुछ नई थी, जब से ड्राइवर का पेशा अपना लिया है, पथरीली कंक्रीट की तरह तन मन सख्त ठस बना दिया है, बना क्या लिया यूं समझो बन गया है। रोज रोज धूप बरखा में जोखिम भरी पहाड़ियां और बीच राह में खड़े शिलाखंड लांघते बाहर की नज़ाकत और भीतर की नफासत दोनों भाव से उठ जाते हैं, खाल के भीतर बाहर एक सख्त झिल्ली सी जमने लगती है। यहाँ पिघलाव का कारण जनानी सवारी भी थी, छोकरा तो बस नाम का मर्द था, 12-13 वर्षों की किशोर होने वाली वाय, जिसमें ऐसा कि पीर पांचाल की शोक हवा का एक झटका चक्कर घिनी खिला दे।
10 के ऊपर तो हरगिज नहीं लगता। 200 मील की मील की पहाड़ी सफर में कहीं नाला वाला बह निकला या पहाड़ से लुढ़क कर कोई एवलांश रास्ते के बीच अड़ गया तो मलबा हटाने में ही 2-3 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में कभी कभी खुद बटोत में रात काटनी पड़ती है। बलदेव ने सोचा रास्ते में पड़ाव डालना पड़ा तो वही जनानी सवारी को कहाँ टिकाएगा। उस मस्त मलंग का क्या, किसी होटल की बेंच मिली तो ठीक, नहीं तो अपने ट्रक में ही टांगे सीधी कर 2 झपकियाँ लेगा। परंतु ये जनानी सवारी, वो भी 18-20 की महकती उम्र। मास्टर साहब बलदेव के पास आकर विनयपूर्ण आत्मीयता से बोले, बलदेव भाई बहू का मामला है, तुम्हारे ही भरोसे भेज रहा हूँ। इसकी माँ तो काके के साथ भेजने में कतई राजी नहीं थी, मैंने तुम्हारा ही हवाला देकर मनाया। कहा, तुम हमारा जैसा ही ध्यान रखोगे, जैसी हमारी बेटी वैसी तुम्हारी बेटी। बलदेव ने नज़र पर जनानी सवारी को देखा, 5-1 फुट की छुई मुई सी नाजुक संदली देह, चूड़ियों से भरी कलाइयाँ, माथे पर दहकती लाल बिंदिया। एकाएक उसने अपना चेहरा सामने लगे शीशे में देखा। क्या ट्रक ड्राइवर ने उसके यौवन को असमय ही उसे छीन लिया है, या मास्टर साहब के दिमाग का कोई पुर्जा बुढ़ापे में ढीला हो गया है जो बलदेव को अपना हम उम्र समझने की गुस्ताखी कर रहा है। अभी अभी उसकी उम्र को 30वां साल लगा है, शरीर भी भरा पूरा है। वह घनी काली मूछों के बीच मुस्कराया, बेचारा मास्टर। स्वयं को आश्वस्त करने के लिए आदमी किस किस बेहूदे ढंग से सोचने लगता है। और मास्टर साहब सचमुच उलझन में थे। प्राइमरी स्कूल का मास्टर, हमेशा तंगदस्ती का रोना, बहू की माँ की बीमारी का तार आया, सो भी महीने की 25 तारीख को, बेटी को जल्दी से भेज दो। उसने कहा भी था, हालात नाजुक ना होते तो तुम समझ सकते हो बहू को इस तरह। आप भरोसा रखे माँ साहब, बलदेव को लगा कि उसे कुछ बोलना चाहिए, हम भी बहन भाई वाले हैं। मास्टर साहब ने जाते जाते बेटी को हिदायत दी, भाभी का ध्यान रखना काके। बेटे ने आप बिल्कुल चिंता न करें वाले अंदाज में सिर हिलाया। बलदेव क्लीनर छोकरे से इंजन में पानी डलवा रहा था, कान बाप बेटे के संवाद पर लगे थे। कनखियों से दोनों को फुसफुसाकर बतियाते देखा तो अनजाने ही चिड़ सी छूट गई। इतना ध्यान रखने की जरूरत थी तो एक टैक्सी बुक करा के खुद ही पर्दे में ले जाते लाडो रानी को। पिद्दी से छोकरे को ध्यान रखने की हिदायत दे रहे, इसे जरा जोर से बोलो तो जनानियों की तरह टिसुए बहाने लगेगा। सोचा कुछ कह दे पर टाल गया, कैसे कैसे नमूनों से तो रोज पाला पड़ता है। जैसे ट्रक ड्राइवर आदमी ना हुआ भेड़िया हो गया। जाने क्या समझते हैं, ट्रक ड्राइवर सामान की फेरियां लगाएगा या लड़कियों की स्मगलिंग करेगा। बलदेव कुटने लगा, लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आ गई। देवा, मतवाले हाथी और अंधी जवानी का कोई भरोसा नहीं। वो फिर सहज हो आया, माँ साहब की शंकाएं 100% गलत भी तो नहीं। बलदेव क्लच ब्रेक वगैरह चेक करके अपनी सीट पर बैठ गया। अच्छा माँ साहब, आप बेफिक्र रहो, बलदेव ने ट्रक स्टार्ट कर दिया। चेक पोस्ट पर लुंगी बनियान पहने एक पहलवान नुमा सरदार, उसने दतौन चबाते बलदेव से सत श्री अकाल किया। दाढ़ी पर लाड से हाथ फिराकर मुस्कुराती आंखों से पूछा, जियो बादशाह, इस बार पाभी जी को श्रीनगर की सैर करा रहे हो? बलदेव ने सुनकर अनसुना कर दिया। सरदार ने जरा ऊंचे स्वर में छेड़ा, ए भाई तैंती भाई, एक नज़र इधर भी, और अकारण ठहाका लगाया। बहू रानी को सरदार की बातों से फूहड़पन की गंध आ गई और उसके कपोल लाल हो गए। उसने चुन्नी माथे तक खींच मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मन में गुस्सा उभरा, कैसा बेहुदा आदमी है, सोच समझकर बात करने की भी तमीज़ नहीं। बलदेव से भी वो नाराज़ हो गई, ये भी कैसे मुस्कुराकर चुप लगा गया, कह नहीं सकता था कि। अपने सोच के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दे को रुक गई, क्या कहता भला, भाभी बहन ऐसा कोई रिश्ता भी तो नहीं है इसके साथ, बस ज़रा सी पहचान है, इसकी माँ हमारी माँ जी की सहेली है, उसे क्या रिश्ता बना। उठो काके, ठीक से बैठो, बलदेव भी शायद भीतर ही भीतर उलझन में पड़ गया था, पर वो उलझन उसे भाग गई। तभी तो खुली सड़क पर ट्रक दौड़ाते किसी रोमांटिक टप्पे की कड़ी याद आ गई और वो गुनगुनाने लगा, कोठे तो उड़कागा सद परदेसी नू। छटते धुनलके में आकाश की सुरमई लबादे पर
गुलाबी रंग छिटकने लगे थे। अल सुबह में खेतों से उठती नशीली गंध ने बलदेव के सुर में जाने कैसी पीर सी भर दी कि काका मंत्र मुग्ध सा सुनने लगा। तेजी के कान भी उधर ही उठे रहे। हालांकि प्रकट में वो हवा के तेज झोंकों से उड़ उड़ जाते दुपट्टे को दोनों हाथों से संभालने लपेटने में लगी थी। सहसा बलदेव ने गाना बंद कर दिया। पथरीली सड़क पर ट्रक के भारी पहियों की आवाज कान काटती सी निकली। हवा तेज है, बलदेव जो अपने आप से बोला। हाँ, काके ने सहमति प्रकट की। भाभी से बोलो आराम से बैठे, लंबा सफर है। काके ने भाभी को देखा, वह शेष अनबोले शब्द समझ गई। कब तक दुपट्टे को पकड़े अकड़ी हुई बैठी रहोगी? तेज हवा के सामने निरुपाय होकर उसने दुपट्टे को उड़ने दिया। वहाँ खिड़की पर टिकाकर भागते हुए परिदृश्य को देखने लगी। काका बगल में हाथ दाबे पारदर्शी कांच से बाहर टकटकी लगाए गुमसुम बैठा था। बलदेव ने बाई हाथ स्टेयरिंग से हटाकर काके की पीठ पर रख दिया। कुछ सुनाओ काके, ऐसे मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे तो सफर कैसे कटेगा? हाथ जरा सा बहू रानी की बांह को भी छू गया। वो कंधा सिकोड़ कर और ज्यादा खिड़की से चिपक गई। बलदेव को बिना देखे ही महसूस हुआ कि उसके माथे पर हल्के बल पड़ गए हैं। वो अपनी गलती सुधारने के भाव से काके से मुखातिब हुआ। अच्छा, अपना नाम तो बता काके। अजय, काका सड़क से आंखें हटाए बिना ही उत्तर दे बैठा। तेरी भाभी का क्या नाम है अजय? मैं तो भाभी कहता हूँ, काके ने स्वर में गंभीरता भरकर गोया धमकाना चाहा कि तुम्हें उसके नाम से क्या मतलब, अपनी हद में रहो। दरअसल ट्रक ड्राइवरों के विषय में उसकी जो धारणा बनी थी उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। उसने सुना था कि ये लोग घटिया किस्म के जीव होते हैं, राह चलती लड़कियों को ट्रक में उठा कर ले जाते हैं। अपनी बहन भाइयों को इन खतरनाक लोगों से बचाना चाहिए। बलदेव काके की ओढ़ी हुई गंभीर मुद्रा पर बेसाख्ता हंस पड़ा। उसे देवर भाभी को चिढ़ाने में थोड़ा आनंद भी आ रहा था। अरे भाई, भाभी बहनों के भी तो कुछ नाम होते हैं, मेरे तो कई नाम हैं, अभी सुना नहीं? रास्ते के यार तैंती बाई कह के बुलाते हैं। भाई बलदेव कहता है, बलदेवा कहता है, माँ कभी देवा कभी निक्का कहकर पुकारती है। तुम्हारी भाभी का भी तो कोई नाम होगा ना? काके ने भाभी की ओर देखा, जो नाम बोलने से पहले उसकी अनुमति जरूरी हो। बहू रानी सोचने लगी, ये ट्रक ड्राइवर चुप रहने वाला आदमी तो नजर नहीं आता, क्या मालूम सुबह सुबह ही बोतल वोतल चढ़ा कर निकला हो, इन लोगों का क्या भरोसा, बार बार पूछ कर मगज खा लेगा। अच्छा है, एक बार में ही चुप करा दिया जाए। वह होंठों ही होंठों में बुदबुदाई, कह दो काके मुझे तेजी कहते हैं। तेजी, बलदेव ने नाम दोहराया। काके ने नजरों में तरेर भरकर बलदेव को घूरा। घर में बड़े इन्हें बहू रानी कहते हैं और छोटे तेजी भाभी। और तुम्हारे भैया क्या कहकर बुलाते हैं? बलदेव ने कनखियों से तेजी को देखकर पूछा। तेजी शायद इस प्रश्न की अपेक्षा नहीं करती थी। दुपट्टे का छोर दांतों के बीच दबाकर उसने नजरें झुकाई। बलदेव को ये देखकर अच्छा लगा कि अब भी लड़कियों के कपोल लाज के रंगों से गुलाल हो जाते हैं। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। काका सोच में पड़ गया, इस नाजुक से प्रश्न का क्या उत्तर दे? भैया का नाम लिया है तो एक दो बातें कहनी चाहिए। मेरा भैया छमजोरिया में लड़ा है, दुश्मनों की कई चौकियां बमों से उड़ा दी हैं। तो तेजी का दूल्हा मिलिट्री में है। बलदेव ने नई कोमलता से नवेली को देखा। जवानों की बीवियों के लिए उसके मन में नर्म तार सा खिंच आया। साल साल भर तेजी को भी पति की राह देखनी होगी। अब आए कब आए, और एक दिन क्या पता ट्रक ड्राइवर की तरह वो कभी लौट ना आए। इंतजार करते करते तेजी की दिप दिप चमकती आंखें पथरा जाए। प्रकट में वो काके की पीठ सहलाता बोला, जवान जोखिम से लड़ते हैं, तुम्हारा भाई जरूर बहादुर होगा। काका घर उसे गुब्बारा जैसे फूल गया। वो चाहता था कि बलदेव उसकी पीठ पर से अपना हाथ हटा ले। आधे घंटे से बराबर मस्का मार रहा है। काका खूब समझता है, ये सब भाभी के कारण है। बाबू ने इसे चेताया भी है कि भाभी का खूब ध्यान रखे। उसने बलदेव को जरा दूर रखने के घर से पुलिसिया लहजे में कहा, भैया के पास बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, उसका निशाना कभी नहीं चूकता। सहज, बलदेव ने प्रभावित होने का अभिनय किया, तब तो तेरे भैया से डरना पड़ेगा। काका आश्वस्त होकर मुस्कुराया। तेजी के बालों की घुंघराली लट माथे पर झुकाई। अपनी पतली उंगलियों से बालों की लट कान के पीछे खोंसते
उसकी कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों में मीठी झनकार दी। बलदेव ने मुंह से भिंदे भिंदे गर्दन हल्की सी मरोड़ कर उसे कई बार देखा। काका बलदेव के मन की बात तो नहीं समझता, पर उसका बार बार भाभी को घूरना उसे सुहाया नहीं। इस तरह औरत लोगों को घूरना तो बुरी बात है ही, साथ में सड़क से नज़र भी हटती है। किसी मोड़ पर दूसरी तरफ से गाड़ी आई तो दोनों की टक्कर हो सकती है, काके ने बलदेव को सावधान करते हुए। हॉर्न नहीं बजाते भाई साहब, कितनी तो गाड़ियां आ जा रही हैं। तुझे डर लगता है क्या? बलदेव ने काके की आवाज़ का कंप महसूस करते मजाक किया। अरे डरती तो औरतें हैं, तू तो लड़का है। फिर तेजी भाभी की ओर, काके ने बलदेव की नज़र का पीछा किया, परंतु भाभी हथेली पर गाल टिकाए ऊँगने लगी थी। वो निश्चिंत सा हो गया और थोड़ी देर में ट्रक के हिचकोलों से वो भी ऊँगने लगा। थोड़ी देर के बाद किसी बलिष्ठ हाथ के स्पर्श से तेजी को जगा दिया। बाह अंदर कर लो, बसें आ रही हैं। सो गई थी क्या? बलदेव पूछ रहा था। उसकी उन्नीदी आंखों ने देखा बलदेव की भीतर तक झांकती आंखों की झील में हल्के गुलाबी डोरे। उसकी बाह पर एक मजबूत स्पर्श जैसे ठहर गया हो। अचानक उसके भीतर डर सा उगाया, अपने निस्सहाय होने का बोध सालने लगा। बापू को क्या इस तरह उसे गैर मर्द के साथ भेजना चाहिए था? माँ की बीमारी ने उन्हें सचमुच दरिया दिल बना दिया। कहाँ तो वो तेजू को पराए आदमी के सामने बिना काज निकलने भी न देते, और कहाँ आप ही बलदेव के हवाले कर दिया। हवाले करने जैसी ही बात हुई ना, तेजी ने उदास होकर सोचा, काका तो बच्चा है, बहाने का मर्द। उस पर बलदेव की उपस्थिति हावी होने लगी। अभी उसने स्टेयरिंग से हाथ उठाया, तेजी को लगा वो बाँह उसके कंधे पर रखकर जरूर कोई छेड़छाड़ करेगा। आगे सड़क सुनसान लगी, इक्का दुक्का बस या ट्रक, शहर से दूर मीलों में फैला विस्तार। उसने काके को अपनी बाँह का सहारा दिया, उसे ज़्यादा खुद को आश्वस्त करने के लिए। क्लीनर भी कौन जाने ट्रक में पीछे बैठा ऊँग रहा हो, फिर उन लोगों की तो मिली भगत होती है। चाय वाय तो नहीं पियोगी? बलदेव ने उसी से पूछा। नहीं, उसने नकार में सिर हिलाया। मन तो उसका हो रहा था, पेट्रोल के घन से उबकाई आ रही थी, चाय से तबीयत कुछ सुधर जाती, लेकिन क्या मालूम चाय पिलाने के बहाने ट्रक किसी सुनसान जगह रोक ले तो। तेजी आगे न सोच सके, लगा कोई अदृश्य पंजा धीरे धीरे उसका गला दबोचने को आगे बढ़ रहा है। उसके शरीर में हल्की सी कंपकंपी होने लगी। ठंड लग रही है क्या? बलदेव ने कंधे ढकते देखा तो पूछ लिया। नहीं, उसने फिर नकार में सिर हिलाया। हर बात का जवाब सिर हिलाकर ही देती हो, बात करना नहीं आता क्या? बलदेव बार बार प्रश्न पूछकर उसे कोंच रहा था। दोनों हाथ अपनी गोद में रख तेजी ने आंखें झुका ली। आंखों के कोर से अचानक पानी की दो बूंदें छलक आईं। सुबह से ही उसका जी उदास है, माँ का रुग्ण असुहाता चेहरा मन के कैनवस पर बार बार उभर आता है। क्या मालूम तेजी के वहाँ पहुँचने तक माँ रहेगी भी या नहीं। ऊपर से उसे बलदेव से डर लगने लगा। तेजी ने दांतों से होंठ दबा लिए, फिर भी आंसुओं की बूंदें गालों से ढुलक कर हाथों पर गिराई। हड़बड़ाकर उसने मुंह खिड़की से बाहर निकाल दिया। अब बलदेव देख ले तो क्या समझेगा? और बलदेव ने देखा, ट्रक की रफ्तार धीमी कर ली। लाड से पूछा, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? बलदेव का स्वर एकदम नया लगा, ये आत्मीयता से सराबोर स्वर। क्या बलदेव ट्रक ड्राइवर का था? तेजी ने उसका चेहरा देखा, अव्यक्त सी चिंता और सहानुभूति से कोमल। ये आदमी क्या जेब में नकली चेहरे लिए फिरता है? जब जो जी चाह लगा दिया। अभी कुछ एक मिनट पहले उसे बलदेव क्रूरता के हद तक गुस्ताख लगा था, अभी इतना अपना, इतना सुंदर। गाड़ी रोकता हूँ, चाय पानी पियेंगे। खुद बटोत में, इधर तो कोई दुकान भी नहीं है। तेजी अपने स्वर की सहजता से स्वयं ही विस्मित हो गई। उधर दो तीन हटियाँ हैं, मंगवा लेते हैं। बलदेव ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ट्रक सड़क के किनारे खड़ा कर लिया और छलांग लगाकर सीट से नीचे उतर गया। तुम भी थोड़ा नीचे उतरो, खुली हवा में जी अच्छा हो जाएगा। तेजी क्षण भर दुविधा में पड़ी रही, काका सोया है, वो अकेली कैसे नीचे उतरे? काके को भी जगा तो वो भी थोड़ा घूम फिर लेगा। बलदेव क्या तेजी के मन की बात पढ़ता है? बात कहने के साथ ही उसने हल्की सी थपकी देकर काके को जगाया। काका आंखें मलता उन दोनों के चेहरे देखने लगा। 10-20 कदम चलकर वे सड़क के किनारे से लगी छोटी दीवार पर बैठ गए। चक्करदार सड़क से हटकर कच्चे ढलवां रास्ते को पार कर
बलदेव छोकरे के साथ जाकर चाय के 3 गिलास लेकर आया। तेजी को गर्म चाय अच्छी लगी। हो गया ना अब जी अच्छा, दिमाग भी दुरुस्त, बलदेव ने छेड़ा। इस सड़क पर सफ़र करते आदमी के दिमाग में ऐसी ही उलट सुलट बातें आती हैं। तेजी झेंप गई। काका कुछ भी न समझने की खींच मिटाने के लिए झुककर नीचे खड्डे में झांकने लगा। ऐसे झुककर मत देखो, चक्कर आएगा और राम नाम सत। बलदेव ने टोका तो तेजी काके की बाह खींच कर सड़क पर आ गई। भाई से मुंह पीला पड़ गया। बुरा भी लगा, इस बलदेव को बात करने का ज़रा भी ढंग नहीं, कैसी कुबात बोलता है। काके ने भाभी के कथन की पुष्टि की। ड्राइवर लोग इसी जुबान में बात करते हैं, अभी देखो साला ससुरा बहन सभी कुछ कहने लगेगा। आगे कुद बटोत का पहाड़ी रास्ता था। सर्पाकार चढ़ाई ऊंची और ऊंची उठती हुई, चीड़ व देवदार के जंगलों से आती मदहोश करने वाली गंध लिए ठंडी हवा के झोंके तन मन में पुलक भरने लगे। पहाड़ों की सलवटों में बर्फ की तहें जम गई थी। सड़क निहारते बलदेव बिना भूमिका बांधे काके से पूछ बैठा, काके तेरी भाभी क्यों रो रही थी। तेजी आंखों की उदास नमी को जुटलाती बोल पड़ी, नहीं रो नहीं रही थी, आंख में तिनका पड़ गया था। एक मिनट, चेतावनी, तिनका पड़ गया था। ओहो, बलदेव ने जैसे सुना ही नहीं। मांझी के बारे में सोच कर रही थी ना, ऊपर वाले के बस में है सब, हम तो उस बाजीगर के बंदर हैं। बाजीगर के बंदर, हिक, काके की रोकती हुई हंसी भी निकल पड़ी। बलदेव के स्वर में बरसात का सा भीगापन था। काके को पहली बार लगा कि बलदेव उतना बुरा नहीं जितना उसने समझा था। अब वो बराबर बातें करता जा रहा था, पहले से ज़्यादा खुला हुआ। वे लोग 3 भाई हैं, 2 की शादी हो चुकी है, उसकी नहीं हुई, मालूम है क्यों? क्योंकि वो साला ट्रक ड्राइवर है। साला देखा, काके ने भाभी को ठहोका दिया, मैंने कहा था ना, बलदेव ने ठहाका लगाया। काके ने सहम कर सड़क की ओर देखा, इस खतरनाक रास्ते पर पहिया फिसल गया तो? अरे भाई, मौत एक ही बार तो आती है, हम ड्राइवरों की ज़िंदगी तो पहाड़ी बादलों सी है अभी नहीं। बलदेव मौत की बात भी हंस कर करता था। परसों ही रामसू के पास सड़क पर एक बड़ा एवलांश गिर पड़ा, मेरी ट्रक के 4 हाथ की दूरी पर 2-3 मजदूर कुचल गए। दोस्तों ने जान बचने पर बधाई दी, माँ ने रघुनाथ बाबा को प्रसाद भी चढ़ाया। ये माएँ भी बड़ी अजीब होती हैं, इन्हें क्या मालूम हम रोज किन खतरों से खेलते हैं। उतराई में बकरियों का झुंड गुजरों के कोठों से उतर कर बीच सड़क पर अट गया। बलदेव ने गाली देकर उसके मालिक को पुकारा। उत्तर में एक मजबूत काठी वाली गुजरी हंसती हुई बकरियों के झुंड से निकल आई। लंबे बालों की दसियों नन्ही चोटियां मांग के आर पार झुलाती हुई ट्रक के पास आकर वो तेजी को घूर घूर कर देखने लगी। फिर बौहे प्रश्न की मुद्रा में उठाकर बलदेव पर शरारत भरी दृष्टि डाल मुस्कुराई। बीच सड़क पल भर मौन वाणी का आदान प्रदान हुआ। बलदेव अकारण झेंपने लगा था, पर जल्दी ही उस भाव को झटक कर उसने ट्रक आगे बढ़ाया। छिनाल, रोज इसी वक्त बकरियां लेकर इधर बैठ जाती है। उसने तेजी की ओर मुड़कर देखा और काके को उत्सुकता से सुनते देख चुप हो गया। लंबी चौड़ी वो गुजरी लाल सबरी आंखों से दूर तक देखती रही। पत्नी टाप पर घने चीड़ देवदार व सरों के जंगलों से घिरी पहाड़ियों पर आकाश टुकड़ों में बटा नजर आता था। सुरमई पहाड़ों पर बर्फ की चादर सूर्य की गुनगुनी किरणों से पिघलती हुई धार बनकर जगह जगह झरने बहा रही थी। निसर्ग के उस उन्मुक्त वातावरण में उन्होंने खाना खाया। बलदेव ने माँ के हाथों बने सब्जी परांठे उन्हें खिलाए। तेजी ने थोड़ा सक जाकर परांठे लिए और बदले में अपना टिफिन बॉक्स बलदेव के आगे कर लिया। काके ने आग्रह किया, अपनी भाभियों के हाथ का खाना मुझे नहीं रुचता, पर तेरी भाभी खिलाएगी तो ज़रूर खाऊंगा। बलदेव ने स्वाद से खाना खाया। दूर पहाड़ियों पर बने गुजर कोटों की ओर संकेत कर बलदेव का स्वर ही नहीं, चेहरा भी बेहद कोमल हो आया। अक्सर मेरा जी करता है वहाँ अपना एक छोटा सा झोंपड़ा हो, शहरों के शोर शराबे से दूर हरियाली के आलम बीच। तेजी अविश्वास से उसे देखने लगी। बलदेव की पथरीली छाती में कितनी कोमल राग छिपे हैं। वो कहीं दूर खो गया था भाभी, वो जो गुजरी मिली ना, मालूम है क्या कहती है। तेजी को बलदेव का संबोधन भला लगा। भाभी कहती है मुझे शहर ले चलो, दरअसल जिसे जो मिलता है वो उसके कदर नहीं करता। आप उसे जानते हो, तेजी ने बिना सोचे उत्सुकता दिखाई।
हाँ वो मुझे पसंद करती है। तेजी ने देखा मुस्कुराते वक्त, बलदेव बेहद सुंदर लगता है, कोई भी उसे पसंद कर सकता है। काफ़ी दिन पहले एक महलों वाली ने भी इस चौखटे को पसंद किया था, पर तब उसे मालूम न था कि मैं सड़कों का राजा हूँ। खैर छोड़ो, उसे जल्दी एक पैंठ बाबू विवाह कर ले गया, अब ये पगली पीछे पड़ी है। अब तुम ही कहो इसे कहाँ ले जाकर कहाँ रखूँ, ये पहाड़ी बकरी शहर में घुटने जाएगी। पहाड़ी बकरी, शब्द पर तेजी की हंसी छलक पड़ी। मेरे घर में पढ़े लिखे भाई हैं, भाभियाँ हैं, एक भाई कॉलेज में पढ़ाता है, एक दफ्तर में बाबू है, भाभियों को मेरी सूरत से भी चिढ़ छूटती है। आप नहीं पढ़े? पढ़ता तो ट्रक ड्राइवरी करता, बस 8 जमात पढ़कर हाथ जोड़ लिए, मन ही नहीं लगा आगे। भाई लोगों के डंडे खाए फिर भी बात नहीं बनी। मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं अफसरी करने के लिए पैदा नहीं हुआ, तंग करोगी तो किसी दूर दराज देश को भाग जाऊँगा, जिधर रहूँगा मेहनत मजूरी करके 2 रोटी खाऊँगा। माँ रोई मगर बात का मर्म समझ गई, कुछ पैसों का जुगाड़ किया और एक गाड़ी ला कर दी। बस तब से मैं और मेरा साथी ट्रक। अच्छा लगता है? हाँ अच्छा ही है, सारा किसी का मोहताज तो नहीं हूँ, अपना खा पी कर मस्त रहता हूँ और भाइयों से ज़्यादा पैसा माँ के हाथ में रख देता हूँ। बातों बातों में तेजी ने जान लिया कि बलदेव माँ से बहुत प्यार करता है, उसी के कारण जम्मू में टिका हुआ है। भाभियों के मेहंदी वाले हाथों की कच्ची पक्की खाने से पहले वो घर से उड़न छू गया होता। किधर जाते? उधर पहाड़ी के ऊपर वाले घर में, तेजी ने कुरेदा। बलदेव हंसा, ट्रक ड्राइवर क्या महलों में रहता है भाभी? फिर एकाएक उसकी आंखें चमकने लगी। मेरा भैया जब छम से आएगा ना और भाभी को साथ लेकर जाएगा, तब मैं भी उधर चला जाऊंगा। आगे सभी चुप हो गए, एक भावभीनी आत्मीयता में सराबोर। जवाहर टनल के अंधेरे में तेजी को जरा भी डर न लगा। आज उसका दुपट्टा सिर से नहीं कंधों से भी खिसक गया था, बालों की लटें चेहरे पर खेल रही थी। तमाम रास्ते जाने वो किन किन सवालों के हल खोजती जा रही थी, वो उसके अपने ही प्रश्न नहीं थे, एक नितांत अजनबी ट्रक ड्राइवर बलदेव से संबंधित प्रश्न भी थे। बलदेव पहाड़ी पहाड़ की नन्ही सी कोठरी में रहेगा, साथ में कई चुटियाओं वाले वो हंसती गुजरी रहेगी, उसे मक्के के गर्म ढोडे और सरियां दा साग पका कर खिला देगी। माँ भी साथ जाएगी क्या? हाँ उसे भी जाना चाहिए, बलदेव ने कहा था। श्रीनगर की झिलमिलाती बत्तियों की कतार को दूर से देखते बलदेव ने काके से कहा, ट्रक चलाते सालों गुजर गए मगर याद नहीं इतना अच्छा कभी लगा जितना आज। फिर गला खखार कर उसने एक भावुक से क्षण को गुजरने जाने दिया। तेजी को लगा स्टेयरिंग पर बलदेव के हाथ जरूरत से ज़्यादा कस गए हैं। तभी बड़े व्यावहारिक अंदाज में बलदेव की गूंजती सी आवाज़ सुनाई पड़ी, काके स्टेशन से थोड़ा हटकर ट्रक खड़ा करता हूँ, तुम्हारी भाभी के मायके से कोई लेने आएगा, ट्रक में बैठा देकर जाने क्या सोच बैठे। फिर तेजी के कंधे को सहज भाव से घेर कर थपकाया, तुम्हारी माँ अच्छी हो जाएगी, सोचना करना। गाड़ी से उतरकर जब तक देवर भाभी कुल्ली को सामान पकड़ाते रहे, बलदेव बिना मुड़कर देखे ट्रक आगे बढ़ा ले गया। तेजी काका तो धन्यवाद के 2 शब्द भी न बोल सके, ठगे ठगे से वे उड़ती धूल के बीच शाम के धुंधलके में लाल बत्ती के नीचे अंकित तैंती बाई को गुम होते देखते रहे। मुझे लगता है काफ़ी हो गया और समय भी मेरे ख्याल में घंटा भर तो हो ही गया। अब आपसे इजाज़त ले लूँ मैं, कहानियों में कुछ प्रश्न तो होते नहीं तो सबको देखती हूँ। कल्पना गोयल, रशीद वजदार, रजीस वजदार, अशोक पांडे इज़ वॉचिंग, वाह, और ऊपर से काफ़ी हैं लोग, मैं देख नहीं पाई क्योंकि इसमें देख रही थी, कहानी पढ़ते पढ़ते नज़र नीचे जाती रहती है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझती हूँ अब मुझे इजाज़त लेनी चाहिए, उधर से इशारा आ जाएगा तो मैं आपको धन्यवाद दूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप सब लोगों का। अब मैं नमस्कार करूं? आगे फिर कभी क्यों दो दो कहानियां नहीं सुना सकते? एक गला एक कहानी सुनाते ही मेरा गला सूख गया। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त लेती हूँ।
एक मिनट। हाँ जी जी चंद्रकांता जी, देखिए एंड वीडियो लाइव या फिनिश? अब बंद करूँ मैं? नहीं, फिनिश लिखा हुआ आ रहा है, फिनिश नहीं आ रहा अभी, तभी मैं कहती हूँ मैं आपसे इजाजत ले रही हूँ। नहीं तो फिनिश दबाइए। ओके फिनिश, फिनिश आ रहा लिखा हुआ? नहीं आ रहा, लाइव है अभी। हाँ फिनिश आ रहा, अब आ रहा। ऐसे फिनिश को दबाइए। ठीक है, अब मैं इजाजत लेती हूँ। ओके धन्यवाद सबका, बहुत बहुत नमस्कार।